हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। गुजरात बोर्ड क्लास 10 के वीडियो लेक्चर सीरीज में आज हम लोग पहला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है हेरिटेज ऑफ इंडिया। इस चैप्टर में हम लोग इंडिया के जो हेरिटेज हैं उसे पढ़ेंगे, चाहे वो नेचुरल हेरिटेज हो, कल्चरल हेरिटेज हो, एंड जो गुजरात का हेरिटेज है, हेरिटेज ऑफ गुजरात एंड वेरियस रेसेस ऑफ ह्यूमन एंड ट्राइब्स हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में। जैसा कि हम लोग जानते हैं, इंडिया इज़ अ वेरी एंशियंट, इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ वेरी एंशियंट कल्चर एंड वेरियस स्कल्पचर लिटरेचर ऑफ एंशियंट इंडिया प्रोवाइड इनॉर्मस प्रूफ, इनॉर्मस वर्क्स दैट प्रूफ दैट इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ वेरी एंशियंट कल्चर। विष्णु पुराणा वन ऑफ दोज एंशियंट लिटरेचर हु स्टेट्स दैट, इट मीन्स विष्णु पुराणा स्टेट्स दैट, एक श्लोक है, मैं बोल रहा हूँ उसको, ये विष्णु पुराण में मेंशन किया गया है। उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रश्चैव दक्षिणम वर्षम तद्भारत नाम भारती यत्र संसति। मीनिंग ऑफ दिस संस्कृत श्लोकास इज इंडिया एक्सटेंड्स फ्रॉम हिमालय इन नॉर्थ टू द इंडियन ओशियन इन साउथ। मतलब हिमालय, इंडिया का जो विस्तार है, एक्सटेंशन है, फैलाव है, वह उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में इंडियन ओशियन तक है। एंड ऐसा कहा गया है कि जो न्यू डिसेंडेंट है, द न्यू डिसेंडेंट्स आर कॉल्ड इंडियंस, जो इंडिया के डिसेंडेंट है यानी इंडिया के जो लोग रहने वाले हैं, जो यहाँ पे पैदा हुए, उनको इंडियन कहा गया। ओके, सो आपके घरों में कभी भी जब कोई ऑस्पिशियस ओकेजन होता है, कोई सेरेमनी होती है, जैसे पूजा पाठ होता है आपके घरों में, कोई वैदिक मंत्रोच्चारण होते हैं, या मैरिज ओकेजन होता है, तो किसी भी तरह का जो ऑस्पिशियस ओकेजन होता है उस पर आप देखोगे जो पूजा वर्शिपिंग कराने वाले होते हैं वो श्लोक में जो रिजोल्यूशन होता है, संकल्प लिए जाते हैं, रिजोल्यूशन में आपको कुछ नाम पढ़े जाते हैं, जैसे भारतवर्षा, भारतखंड, जम्बूद्वीप, आर्यावर्त, ये सभी नाम इंडिया के लिए ही, भारत के लिए ही यूज किए जाते हैं। जो हमारी कंट्री है इंडिया, हमारा प्यारा भारत, वह जो नेचुरल बाउंड्रीज हैं, जैसे हिमालय नॉर्थ में, सी इन ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ, ये जो है गिफ्टेड है, गॉड गिफ्टेड है, नेचुरली गिफ्टेड है। ऑल ओवर वर्ल्ड से जो कंट्री है वो इंडिया की प्रॉस्पेरिटी और इसके ट्रेड, रिचनेस ऑफ ट्रेड को देख करके ही बहुत सारी कंट्री इंडिया में आना शुरू हुई, जिसमें से बहुत सारे इन्वेडर भी इंडिया में आए। क्यों आए? इंडिया के रिच हेरिटेज, इंडिया की प्रॉस्पेरिटी, यहाँ की सोशल जो रिचनेस है, कल्चरल रिचनेस, इकोनॉमिक रिचनेस, उसको देख करके ही लोग आए, यहाँ पे ट्रेड किए, इन्वेड किए, सेटल हुए, और यहाँ कुछ लोग यहीं के लोगों के साथ मिल गए। ठीक है, सो इस तरह से ऑल ओवर वर्ल्ड से लोग इंडिया में आए और यहाँ पे रह गए, बस गए, यहाँ के लोगों के साथ घुल मिल गए। इसके वजह से जो हमारा कल्चर है, इंडियन कल्चर है, और ज़्यादा वैरिड हो गया, और ज़्यादा डाइवर्सिटी हमारे कल्चर में देखने को मिला। ओके, इंडिया का जो लोकेशन और एरिया है, ये हम लोग ऑलरेडी 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, लोकेशन किस हेमिस्फेयर में है, कितने लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन क्या है, लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन क्या है, इंडिया के एरिया कितना है, और उसमें हमने ये भी देखा कि इंडिया जो है वर्ल्ड 7th लार्जेस्ट कंट्री है एंड 2nd मोस्ट पॉपुलस कंट्री है। इंडिया का जो रिच एंड वैरिड हेरिटेज है, ठीक है, सो इंडिया जिसको हम लोग एक मदरलैंड कहते हैं, ये बेस्टोर्ड विथ रिच एंड वैरिड हेरिटेज टू अस, यानी कि जो हमारा मदरलैंड है, हमारा प्यारा भारत है, वो हमें, हमारी जनरेशन को, थ्रू वेरियस जनरेशन, एक हमें रिच एंड वेरी डिग्निफाइड एंड वैरिड हेरिटेज हमें प्रोवाइड किया है, देता है। जो इंडियन कल्चर है,
इंडियन कल्चर ट्रेड ओरिएंटेड होते थे एंड पीस लविंग, ठीक है, इंडियन कल्चर हैव बीन ट्रेड ओरिएंटेड एंड पीस लविंग पीपल हम लोग रहते थे। इंडियंस सत चित एंड आनंद में, इंडियन कल्चर को आप स्टडी करोगे तो आपको सत चित एंड आनंद की अनुभूति होगी, सत चित एंड आनंद की फीलिंग आएगी। सत मीन्स ट्रुथ, चित मीन्स मेडिटेशन, थिंकिंग, इंटेलेक्चुअलिटी, ओके, एंड आनंद मीन्स इंजॉयमेंट। तो दिस आर थ्री वर्ड लाइक सत चित एंड आनंद आर द फंडामेंटल्स ऑफ आवर कल्चर, आवर इंडियन कल्चर। इसके अलावा भी इंडियन कल्चर जो है बहुत सारे म्यूचुअल एक्सचेंज के साथ, डिफरेंट म्यूचुअल एक्सचेंज के साथ प्रॉस्परस हुआ एंड कंटिन्यूअस जो कंट्री हैं, कल्चर ऑफ कंट्रीज विच केम टू इंडिया एंड सेटल्ड हियर, यहाँ पे जो लोग आए, ठीक है ना, और यहाँ पे आके रह गए, वे लोग भी जो है इसको एक डाइवर्सिफाइड कल्चर में कन्वर्ट किए। जो भी यहाँ पे सेटल हुआ इंडिया में वो इंडियन कल्चर के जो वैल्यू ऑफ नॉन वायलेंस एंड पीस है उसको एक्सेप्ट किया। जो पीपल राइट्स है, पीपल ऑफ पीपल फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन टिल टुडे, यानी कि हमारा जो हिस्ट्री है वो हमारे कल्चर की बात इंडस वैली सिविलाइजेशन से हम कहते हैं क्योंकि वो फर्स्ट सिविलाइजेशन इंडिया का, ह्यूमन सिविलाइजेशन। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे उनसे लेकर आज तक जो भी लोग हैं उन्होंने इंडियन कल्चर को डेवलप होने में, बढ़ने में, ठीक है, इसके रिचनेस, इसको रिच बनाया, वेल्दी बनाया विथ देयर इंटेलेक्चुअलिटी, टैलेंट एंड स्किल। कल्चर का मतलब क्या होता है, ठीक है, कल्चर इज द सम ऑफ हैबिट, वैल्यू, कस्टम, ट्रेडिशन एंड कंडक्ट ऑफ लाइफ स्टाइल ऑफ ह्यूमन। यानी हम कल्चर किसे का, किसको हम जानते हैं कि ये हमारा कल्चर है, कैसे, ऐसा तो नहीं था ना कि वो डेवलप अपने आप हुआ, नहीं, हमारे जो एंसेस्टर हैं चाहे वो इंडस वैली सिविलाइजेशन से ही क्यों न थे, सो इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेकर आज तक जो हमारे एंसेस्टर रहे हैं उनका लाइफ स्टाइल, उनके रहने का तरीका, जीने का तरीका, उनका ट्रेडिशन, उनका कस्टम, वो क्या रिचुअल्स यूज करते थे, उनके हैबिट क्या थे, वैल्यूज़ क्या थे, ये सभी चीज़ें एक लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन में, लॉन्ग प्रोसेस में हमारे लाइफ की, हमारे सोसाइटी की पार्ट बन गए और यही फिर हमारा कल्चर बन गया, ओके? तो मीनिंग ऑफ कल्चर क्या है, कल्चर इज अ वे ऑफ लाइफ, हमारे जीने का, कल्चर क्या होता है, हमारे जीने का तरीका होता है, हम जिस तरीके से सोसाइटी में रहते हैं, जीते हैं, अपना लाइवलीहुड फुलफिल करते हैं, अपनी सोसाइटी की देखभाल करते हैं, सोसाइटी को रेस्पेक्ट करते हैं, ये सभी हमारे कल्चर का ही पार्ट है। सो कल्चर मीन्स वे ऑफ लाइफ, इट इज़ मेड ऑफ चेंजेस दैट अकर्स इन पब्लिक लाइफ, सोशल रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ डिफरेंट सोसाइटीज। जो कल्चर बना है वह किससे बना है, डिफरेंट सोसाइटीज में जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, सोशल रूल्स थे, पब्लिक लाइफ था, उसमें जो भी चेंजेज हुए उसके उन सभी चेंजेज की वजह से कल्चर का फॉर्मेशन हुआ है, ओके? कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया की अगर हम लोग बात करें तो इंडिया के कल्चरल हेरिटेज को टू पार्ट में डिवाइड किया गया है, ओके? बिकॉज जो हेरिटेज है, हेरिटेज का मीनिंग क्या होता है, हेरिटेज का मतलब होता है जो हमारे फोर फादर हैं, एंसेस्टर हैं, उन्होंने जो वैल्यूएबल गिफ्ट हमें प्रोवाइड किया है, यानी हमारे सोसाइटी के जो भी स्ट्रक्चर है, कल्चर है, जो हम रिचुअल्स फॉलो करते हैं, जो रूल्स फॉलो करते हैं, वो एज अ गिफ्ट हमको दिया गया है हमारे फोर फादर के थ्रू, तो ये हमारा कल्चर है, ठीक है। तो हेरिटेज का मतलब होता है गिफ्ट फ्रॉम आवर एंसेस्टर, और इंडियन हिस्ट्री हम लोग को पता है थाउजेंड्स ऑफ ईयर ओल्ड इंडियन हिस्ट्री है, ठीक है। स्कूल प्लीड आई लव, हम लोग स्कूल वगैरह में गाते हैं ना, आई लव माई कंट्री एंड आई एम प्राउड ऑफ इट्स रिच एंड वेरिड हेरिटेज, ठीक है, मॉर्निंग प्रेयर जो होते हैं उसमें। सो इस कॉन्टेक्स्ट में जो हेरिटेज एक प्रीशियस गिफ्ट है हमारे मदरलैंड को, हमारे एंसेस्टर को, और जो अबाउट जो मास्टेरियस ह्यूमन लाइफ है वो एक गिफ्ट है। सो हम लोग अपने हेरिटेज को ऑन बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस, इंटेलेक्चुअलिटी टू पार्ट में डिवाइड करते हैं, नेचुरल हेरिटेज एंड कल्चरल हेरिटेज। जो नेचुरल हेरिटेज होता है उसमें लैंडस्केप, रिवर्स, वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ एट्सेट्रा वगैरह आते हैं, जो हमारे नेचर से रिलेटेड हैं, नेचर से जुड़े हुए हैं,
तो इसमें माउंटेन, फॉरेस्ट, डेजर्ट, रिलीफ, रिवर्स, स्ट्रीम, सीज, ट्रीज, प्लांट, क्रीपर, फ्लावर, लीव्स, इंसेक्ट्स, ठीक है, वेरिड लैंडस्केप, वाइड रेंज ऑफ मिनरल्स, वेजिटेशन, प्लांट एंड एनिमल, ये सब हमारे नेचुरल हेरिटेज के पार्ट हैं। और हम लोग क्या है, ह्यूमन क्या है, चिल्ड्रन ऑफ नेचर, ह्यूमन चिल्ड्रन ऑफ नेचर है, इसलिए नेचर ने हमारी फूड के लिए, वाटर के लिए, फ्रेश एयर के लिए, अच्छे जगह पे रहने के लिए, हमारी सभी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इसे जो है ब्यूटीफुली, नेचर को ब्यूटीफुली कंस्ट्रक्ट किया गया है, नेचर के द्वारा, गॉड के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, हम लोग नेचर को एक जो है रेस्पेक्ट एंड फेथ के साथ देखते हैं। कैसे हम कहेंगे कि हम नेचर को जो है एक फेथ के साथ देखते हैं, बिकॉज हम लोग नेचर की वर्शिपिंग करते हैं, नेचर की पूजा करते हैं। देखते हो हमारे एंड कल्चर में बहुत सारे ट्रीज, माउंटेन, स्टोन्स, रिवर्स की पूजा की जाती है, इसीलिए हम गंगा को गंगा माता कहते हैं, गंगा माँ कहते हैं, यमुना को यमुना माता कहते हैं, कावेरी को कावेरी माँ कहते हैं। ठीक है ना, ये सभी हमारे कल्चर का ही देन है कि हम लोग नेचर को जो है नेचर में बिलीव करते हैं, उसको फेथ रखते हैं और उसे रिस्पेक्ट करते हैं। सो ये सभी हमारा ये शो करता है कि इंडियन जो सिविलाइजेशन है, इंडियन पीपल हैं, वो नेचर के साथ किस तरह से क्लोज हैं। और बुद्धिस्ट लिटरेचर में भी जो है ये सभी चीज़ें दिखलाया गया है। ठीक है, जो जतका टेल्स हैं, जतका टेल्स, पंचतंत्र की जो स्टोरी है वो विष्णु पुराण में, पंचतंत्र में नेचर के बारे में ही बताया गया है। आयुर्वेदा, यूनानी एंड नेचर क्योर, ये सभी जो आयुर्वेदिक मेडिसिन है, हर्बल मेडिसिन, यह भी ये शो करता है कि ह्यूमन और नेचर कितना क्लोज रिलेशन में है। ठीक है, तो हम लोग जो है नेचुरल रिसोर्स देखा, ये सभी रिजल्ट ऑफ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन नेचर, एनवायरमेंट एंड ह्यूमन। स्टोरी ऑफ क्लोज रिलेशनशिप कहाँ पे शो किया गया है, पंचतंत्र एंड जतका टेल्स। जतका टेल्स जो है एक बुद्धिस्ट लिटरेचर है। ओके, तो इसमें पहला आता है नेचुरल हेरिटेज में लैंडस्केप। लैंडस्केप क्या है, लैंडस्केप मतलब जो हमारे लैंड का स्ट्रक्चर है। हिमालयस ब्यूटीफुल लैंडस्केप है, स्ट्रेंज बर्ड और एनिमल, माउंटेन पीक कवर्ड है विथ स्नो आर गिफ्ट ऑफ हिमालयस। जो फॉरेस्ट ऑफ तराई रीजन है एंड पिलग्रिमेज प्लेसेस, ये भी हमारे लैंडस्केप के ही पार्ट है जो हिमालयस प्रोवाइड करता है, जैसे अमरनाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ, समिट लाइक नंदा देवी इन हिमालय, ये सभी क्या है, एक ब्यूटीफुल लैंडस्केप हमें प्रोवाइड करते हैं, इंडिया को प्रोवाइड करते हैं, जिनका यूज हम लोग अपने हेरिटेज के लिए भी करते हैं, टूरिज्म के लिए भी करते हैं, नेचुरल प्लीजर के लिए भी करते हैं हम लोग। ओके, सेकेंड जो नेचुरल हेरिटेज है वो है रिवर का। इंडियन कल्चर जो भी फ्लोरिस्ट हुआ है, चाहे वो इंडस वैली सिविलाइजेशन रहा हो या उसके बाद का जो ह्यूमन सिविलाइजेशन रहा हो, ये सभी रिवर बैंक पे ही फ्लोरिश हुए हैं। और इंडियन जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो तो इंडस और रावी, उसी के नाम से ही पड़ा हुआ है। रिवर जैसे कि गंगा, यमुना, सरस्वती, इंडस, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी हैव प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस ऑन पीपल ऑफ इंडिया। प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस कैसा है इनका, देखो ये सभी जो रिवर है इतना फर्टाइल लैंड प्रोवाइड करती हैं जिससे कि इंडियन ह्यूमन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी करके अपने लाइवलीहुड को फुलफिल करता है, कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी कंट्रीब्यूशन करता है। एंड ये सभी रिवर एक लार्जर पॉपुलेशन ऑफ इंडिया को ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करता है, इरिगेशन वाटर प्रोवाइड करता है। ओके, वेरी ब्यूटीफुल एंड फर्टाइल लैंड प्रोवाइड करता है, दैट्स वे इनका जो है प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस हमारे लाइफ पे रहा है, इंडियन पीपल पे। रिवर एक ड्रिंकिंग वाटर के भी सोर्स हैं, डोमेस्टिक यूज़ के लिए भी यूज़ किया जाता है, इरीगेशन, इलेक्ट्रिसिटी, वाटरवेज के लिए, इंडस्ट्रियल यूज़ किए जाते हैं। जो लैंडस्केप होते हैं, जो रिवर होती हैं, वो जिस तरह का लैंडस्केप जो है क्रिएट करती हैं, वो डस्क और डॉन यानी इवनिंग और अर्ली मॉर्निंग में एक वेरी ब्यूटीफुल एंड फैसिनेटिंग सीन प्रोवाइड करती हैं, जो कि एक एस्थेटिक सेंस,
यानी कि एक स्पिरिचुअल सेंस जो है डेवलप करते हैं। जो सेकंड थर्ड नेचुरल हेरिटेज है वह वेजिटेशन का, इट मींस प्लांट फॉरेस्ट, ठीक है ना। तो ह्यूमन एनिमल बर्ड्स ये सभी किसी न किसी तरीके से फॉरेस्ट एंड ट्री पे ही डिपेंड है अपने फूड के लिए, प्लांट पे ही डिपेंड है। हम लोग जो फूड ग्रेन कंज्यूम करते हैं वो भी प्लांट से आता है, ठीक है, अलग बात है हम उसको कमर्शियल लेवल पे भी प्लांटेशन करते हैं, कमर्शियलाइज करते हैं, लार्ज स्केल पे प्लांट करते हैं, जैसे पैडी हो, वीट है, बाजरा, ज्वार, ये सभी और भी बहुत सारे ट्रीज हैं जो हमें वेरियस फूड प्रोवाइड करते हैं। ओके, तो ये सभी जो है ह्यूमन एनिमल और बर्ड का ट्री, बर्ड की लाइफ जो है वो फूड के लिए ट्री पे डिपेंड करता है। बनियान और पीपल ट्री एंड बेसिल्स आर वर्शिप्ड इन इंडिया, इनका इनकी जो है वर्शिपिंग करते हैं हम लोग। जो फूड क्रॉप्स हैं जैसे पल्स, ऑयल सीड्स, प्लांट्स एंड हर्बल प्लांट्स हैव इनरिच्ड आवर लाइफ, हमारी लाइफ को एक वेरी इंपॉर्टेंट जो है इन्ग्रीडियंट प्रोवाइड करते हैं हेल्दी रखने में। हर्बल प्लांट जैसे हरदे, अम्बाला, बहेड़ा, ये एलोवेरा, अर्दुसी, नीम, ये सभी क्या करते हैं हमें एक जो है बेटर लाइफ प्रोवाइड करते हैं, जिनका यूज़ करके हम लोग अपने लाइफ को हेल्दी रखते हैं। ओके, तो ये सभी इसके जो है वेजिटेशन के बेनिफिट हैं और ये हेरिटेज हैं। फोर्थ वाइल्ड लाइफ आता है। इंडिया एनिमल लवर कल्चर रहा है, इंडिया का जो कल्चर है वो एनिमल लवर है, हम पशुओं से, एनिमल से एंशियंट टाइम से ही लव करते आ रहे हैं, उनको डोमेस्टिकेट करते हैं, उनको यूज़ करते हैं, और पशु हत्या, एनिमल जो स्लॉटर है वो हमारे यहाँ एंशियंट टाइम से ही जो है एक तरह से सीन माना गया, पाप माना गया है, वो नहीं किया जाता है, ठीक है ना। तो ये शो करता है हमारे प्रोफाउंड कल्चरल इन्फ्लुएंस को कि हम लोग एनिमल से कितना जो है एनिमल को अपने लाइफ का एक पार्ट मानते हैं। टाइगर, लायन, एलिफेंट, राइनोस, फॉक्स, बियर, डियर, ये सभी बहुत सारे जो एनिमल हैं जो इंडियन वाइल्ड लाइफ में अवेलेबल हैं। एशियाटिक लायन जो कि वर्ल्ड में कहीं नहीं है, वर्ल्ड में सिर्फ और सिर्फ इंडिया में है, जो कि गुजरात के गिर फॉरेस्ट में है। ओके, और लेटेस्ट में न्यूज भी आया था कि गिर फॉरेस्ट में जो गिर एशियाटिक लायन है उनके नंबर्स काफ़ी ट्रिमेंडसली बढ़े हैं, तो ये एक पॉजिटिव साइन रहा है और एक सक्सेसफुल इंडियन कल्चर और इंडियन जो इन्वायरमेंटल वर्क है उसको भी शो करता है। एनिमल जो है व्हीकल के लिए भी यूज़ किए जाते हैं ऑफ गॉड, ये शो करता है हमारे कल्चर को ही कि इंडिया का कल्चर कितना इन्फ्लुएंसिव है, जिससे कि हम लोग जो हमारे यहाँ गॉड हैं उनके भी व्हीकल के रूप में हम लोग एनिमल को देखते हैं, यानी हम अपने आप से उनको कितना रिलेट करते हैं, अपने लाइफ में उनका कितना कितना इम्पोर्टेंस देते हैं, अपने कल्चर में उनको कितना इम्पोर्टेंस देते हैं। जो हमारी नेशनल करेंसी है उस पर भी, हमारी नेशनल करेंसी पे भी बहुत सारे एनिमल हैं, जैसे हॉर्स हैं, लायन, हॉर्स एंड बुल हमारे करेंसी पे मेंशन किए गए हैं। टू प्रोटेक्ट आवर वाइल्ड लाइफ रिजर्व्स आर क्रिएटेड एंड लॉज आर इम्प्लीमेंटेड, तो इनको प्रोटेक्ट करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने वाइल्ड लाइफ एक्ट, प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में पास किया। अंडर दैट लॉ वेरियस नेचुरल नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व, ये सभी जो है बनाए गए, इस्टेब्लिश किए गए, जिससे कि वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट किया जा सके। जो सेकेंड पार्ट, सेकेंड टाइप है हेरिटेज का, वह है कल्चरल हेरिटेज। इंडिया जो है गिफ्टेड है टू द वर्ल्ड अ डाइवर्स एंड रिच हेरिटेज। ओके, इंडिया ने पूरे दुनिया को एक रिच एंड वेरी डाइवर्स, वेरी डिफरेंट, लॉट ऑफ जो मिक्सिंग ऑफ कल्चर गिफ्ट को गिफ्ट दिया है पूरे वर्ल्ड को। कल्चरल हेरिटेज क्या होता है? मैन मेड हेरिटेज होता है, ये ध्यान रखना है। कल्चरल जो हेरिटेज होता है वो मैन मेड हेरिटेज होता है। व्हाट एवर इज रिसीव्ड बाई ह्यूमन विथ हिज टैक्ट, विजडम, आर्ट, स्किल इज कॉल्ड कल्चरल हेरिटेज। ह्यूमन जो कुछ भी अपने इंटेलेक्चुअलिटी, टैक्ट, विजडम, अपनी जो उनकी थिंकिंग है, स्किल है, उससे जो कुछ भी रिसीव करता है, डेवलप करता है, उसे हम लोग जो है हेरिटेज कहते हैं, कल्चरल हेरिटेज कहते हैं। जैसे आर्किटेक्चर, द आर्ट ऑफ आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर 5000 ईयर ओल्ड है ना, ये भी हमारे
कल्चर का ही पार्ट है, क्योंकि इसको ह्यूमन ने ही डेवलप किया है अपने जो है स्किल के थ्रू, अपने नॉलेज के थ्रू, एक्सपीरियंस के थ्रू। उनकी जो थिंकिंग है उसको उन्होंने क्या किया, अपनी फीलिंग को स्टोन पे एज ए स्कल्पचर उन्होंने कर्व किया। सो जो इंडियन आर्ट ऑफ आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर है वो मोर देन 5000 ईयर ओल्ड है, एंड द रिमेन्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज एविडेंस ऑफ इट। यानी हमारे कल्चरल हेरिटेज का एविडेंस क्या है, इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो रिमेन्स हमको मिले हैं, मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, लोथल एंड जो वेरियस ओल्ड स्कल्पचर मिले हैं, फिगर ऑफ बुलोक और लायन ऑन इन्वर्टेड लोटस ऑफ मौर्य एरा, ये भी हमारे कल्चर का पार्ट है। अशोका ने जो पिलर स्कल्पचर बनाया था सारनाथ में, उस पर उसने इन्वर्टेड लोटस पे एक फोर लायन कैपिटल बनाया और उसके नीचे जो है उसने बुलॉक और हॉर्सेस को रखा। तो ये जो कि आज हमारा क्या है, नेशनल एम्बलम भी है ये, ठीक है, नेशनल एम्बलम के रूप में इसको एडॉप्ट किया गया है, ठीक है। जो स्टैचू ऑफ गौतम बुद्धा है इन मेडिटेटिव फॉर्म, कालखंड स्टैचू ऑफ जैन तीर्थंकर, केव्स ऑफ एलोरा ऑफ राष्ट्रकूट डायनेस्टी, ये सभी भी शो करते हैं किसको, हमारे एंशियंट कल्चरल हेरिटेज को, कि जो हमारे एंसेस्टर थे वो कितना ज़्यादा, उनकी जो विजडम थी, उनका आर्ट था, उनका लिविंग स्टाइल कितना सोफिस्टिकेटेड एंड बेटर था, अच्छा था, जो इस तरह के चीज़ों को उन्होंने क्रिएट किया। बाई सीइंग दिस हेरिटेज वी फील प्राउड एंड ग्लैड एंड ऑल्सो रेस्पेक्ट आवर फॉर आवर कल्चरल हेरिटेज, ठीक है। तो ये था टू टाइप्स ऑफ हेरिटेज। आगे जो है हम लोग कल्चरल हेरिटेज ऑफ गुजरात के बारे में पढ़ेंगे, कल्चरल हेरिटेज ऑफ गुजरात क्या है, ठीक है, इसको हम लोग जो है नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।